लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। आज हम आपको बताते हैं कि कौन सी है वो बातें हैं जिनको करने से भगवान के कोप का भागी बनना पड़ता है। एक, गणेश जी और भैरव को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। दो, हाथ में लिया हुआ पुष्प दौट तांबे के बर्तन में चंदन और चर्म पात्र में गंगा जल अपवित्र हो जाता है। तीन, शालिग्राम पर अक्षत नहीं चढ़ाने चाहिए, लाल रंग मिश्रित चावल चढ़ाया जा सकता है। चार, पिघला हुआ घी और पतला चंदन देवताओं को नहीं चढ़ाना चाहिए। पांच, दीपक से दीपक जलाने पर घर में दरिद्रता का निवास होता है, दीपक से अगरबत्ती जलाना भी दरिद्रता का बुलावा देना है। छह, आसन शयन दान भोजन वस्त्र संग्रह विवाद और विवाह के समयों पर छींक शुभ मानी गई है। सात, मूर्ति स्नान में कभी भी अंगूठे का इस्तेमाल ना करें। आठ, मिट्टी गोबर को निशा में और प्रदोष काल में गोमूत्र को ग्रहण न करें। नौ, पोष माह की शुक्ल दशमी तिथि, चैत्र की शुक्ल पंचमी और श्रावण की पूर्णिमा तिथि को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लक्ष्मी का पूजन करें। दस, पंचामृत में यदि सब वस्तुएं ना मिले तो केवल दूध से स्नान करा सकते हैं, इससे पंचामृत का पूरा फल मिल जाएगा।